केवल ट्विटर पर भी बोल देने से क्या होता है? 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी चंदखुरी गए नहीं? अरे इनके समय में तो मोबाइल बांटने में, टिफिन बांटने में, राशन कार्ड बनाने में, चप्पल खरीदने में, सब में कमीशन खोरी हुई। दोनों प्रकार के दो मुही हैं। दूसरे तरफ रमन सिंह ये कहते हैं कि राम मोहन गमन पर्यटन परपथ में क्या खर्चा हुआ, तो जाए चंदखुरी जाकर देख ले भाई, श्री नारायण चल दे, राजिम चल दे, और अन्य जगह जहाँ काम चल रहे हैं वहाँ जाकर देख ले। केवल ट्विटर पर भी बोल देने से क्या होता है? 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी चंदखुरी गए नहीं? जहाँ कौशल्या माता का की मंदिर है वहाँ तो गए नहीं, अब जाकर देख ले। तो ये लगातार उसी प्रकार गिरिराज सिंह आरोप लगा रहे हैं। अरे इनके समय में तो मोबाइल बांटने में, टिफिन बांटने में, राशन कार्ड बनाने में, चप्पल खरीदने में, सब में कमीशन खोरी हुई। हमारे समय में सीधा हितग्राहियों के खाते में जा रहा पैसा, बेरोजगारी भत्ता भी ठीक से बांट नहीं पाए, हम तो सीधा उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये अभी जो गौठान योजना है उसको दिल्ली के 4-4 कमेटियाँ आ गई लोकसभा की देखने, गुजरात की टीम आ गई, मध्य प्रदेश के गौ सेवक आयोग के अध्यक्ष आके गए, सब तारीफ करके जा रहे हैं और ये घोटाला देख रहे हैं। उसी प्रकार से अभी ये कहते हैं गिरिराज सिंह जी नरवा वाले कार्यक्रम में भ्रष्टाचार हुआ। अभी 8 दिन नहीं बीता है, देश भर के जितने भी वन विभाग के PCCF हैं, 3 दिन की कार्यशाला लगा, क्योंकि सबसे बढ़िया कार्यक्रम हुआ। उसके DG भी आया था, भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी, वो भी आए थे और उन्होंने तारीफ की, जितना बढ़िया काम छत्तीसगढ़ में हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। अब ये लोग कहते हैं उसमें गड़बड़ है, तो दोनों प्रकार के दो मुही हैं ये लोग, एक जने आज कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, ये स्थिति इनकी है। तो ये तो केवल चुनाव के लिए लोग आए हैं, 4 महीने रहेंगे और चुनाव में इस प्रकार बोल बोला के चले जाएंगे।